أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فَخْلَعَنَ عليك إنك بالواد المقدس توعى وأنا أخترتك فأستمع لما يوحى إني إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدوني فاعبدني وأقيم الصلاة للذكر إن السعادة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يسد عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترد فتردى صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي हमने सूरत कसस की आयत नंबर वन टू थर्टी फाइव कवर कर ली थी तो इन अब यानी स्टोरी जो मूसा इस्लाम को नबूवत मिली है उसका तस्करा हम थोड़ा सा ताहा से भी पढ़ेंगे तो मैंने ताहा की जो है छः आयतें आपके सामने पढ़ी हैं आयत नंबर 11 टू सिक्सटीन और इनशाला उसमें नबूवत मिलने के वक्त जो तस्करा अल्लाह ताला ने जो तस्वीर कशी की है उसका बयान हो रहा है तो वो हम पढ़ेंगे और अभी आगे से हमारा कोर्स ऑफ स्टडी ये होगी जैसे हमने कसस की वन टू थर्टी फाइव आयत कवर कर ली है तो अभी हम आयत नंबर 11 टू सिक्सटीन आज कवर करेंगे इन ताहा की सूरह नंबर ट्वेंटी और फिर इसी सूरत की आयत नंबर ट्वेंटी टू थर्टी पढ़ेंगे ठीक है नेक्स्ट टू लेक्चर्स मोस्ट प्रॉबली उसके बाद ये सूरत की स्टडी के बाद हम सूर्य आराफ पढ़ेंगे आयत नंबर वन जीरो आराफ है नंबर तो वहां की थर्टी फाइव थर्टी सिक्स आयतें सूर्य आराफ की हम पढ़ेंगे इसके बाद मूसा की जिंदगी से रिलेटेड उसमें मूसा चूंकि अभी मूसा की जिंदगी इस रुख पे है इस मुकाम पे है कि उनको नबूवत मिल चुकी है जैसा कि नबूवत मिलने का तस्करा हम सूर्य कसश में करके आए हैं आज उसका तफसीली जिक्र होगा कि नबूवत कैसे मिली मूसा इस्लाम को और अल्लाह ताला ने कौन सा डायरेक्शंस दिया नबूवत मिलने के वक्त तो उसका तस्करा करेंगे हम सूरत ताहा में यानी सूरत ताहा की जो हमने अलेवन टू सिक्सटीन और ट्वेंटी फोर टू थर्टी सिक्स आयतें सेलेक्ट की हैं यानी बारह छः अठारह आयतें जो सूरत ताहा की हैं ये कुल की कुल नबूवत मिलने के मज़मून के इर्द गिर्द ही घूमती है तो इसको समझ लेने के बाद फिर नबूवत मिलने के बाद मूसा आल्लाम जब फिरौन के दरबार में गए हैं तो उनमें जो आपसी मुकालमा हुआ है फिरओन के दरबार में जो दावत दी है मूसा इस्लाम ने और जो तबलीग की है और फिर ओन से जो मुकाबला आरई हुई है बनी इसराइल की भी उम्ममन और खसूस मूसा इस्लाम की भी तो उसका तस्करा हम थर्टी सिक्स आयत और सूर्य आराफ में करेंगे आयत नंबर वन जीरो थ्री टू वन थर्टी एट उसके बाद इसके यानी इस दावती और इस तबलीगी प्रोग्राम के बाद जब फिर को अल्लाह तजाब में मुबिला किया है उस पर अल्लाह ताला ने चार आयत बयान की है सूरह कसफ़ के अंदर तो हम दोबारा सूरह कसस की आयत नंबर थर्टी नाइन टू फोर्टी थ्री पढ़ेंगे आफ्टर कम्प्लीटिंग ये अठारह आयतें सूरह सूरत की पैंतीस आयतें पैंतीस या छत्तीस आयतें सूरह आराफ़ की फिर हम वापस आके सूरह कसस की चार आयतें पढ़ेंगे थर्टी नाइन टू फोर्टी थ्री जिसमें हम समझेंगे कि मूसा आलाम और फिरौन की जो रसाकशी है उसके बाद अल्लाह ताला ने जो फिरौन पे अजाब नाजिल किया है उसके ज़मन में अल्लाह ताला को कौन सी बातें कहनी इन चार आयतों को पढ़ने के बाद फिर अब तबलीग मूसा अलैहिस्सलाम का मूसा अलैहिस्सलाम की दावत का या कुल यूं समझ लीजिए कि मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी का दूसरा दौर शुरू होना जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम की तबलीग और दावत का रुख बनी इसराइल होगी अभी तक हमने जो भी चीज़ें देखी अभी तो मूसा अलैहिस्सलाम की हमने जो है वो इंडिविजुअल जिंदगी देखी है इनफरादी जिंदगी देखी है अभी उनकी पैगंबराना जिंदगी का तस्करा हमने नहीं किया पैंतीस आयतों के अंदर वो उनकी पैगम यानी नबूवत मिलने से पहले की जिंदगी है अब जो है नबूवत का प्रोसेस उसमें जो अल्लाह ताला ने उनको डायरेक्शंस दिया उसके ताल्लुक से अठारह आयतें यहाँ सूरतहा के अंदर फिर नबूवत के बाद कौम फिर किबतियों को जाके जो दावत दी है मूसा इस्लाम ने जो तबलीग की है उसके अंदाज़ को उसकी हमतों को उसके विज्डम्स को और उसमें जो एक दावत की मेथडोलॉजी है उसको हम समझेंगे सूर्य आराफ की 35-36 आयतों के जरिए फिर जो अजाब का प्रोसेस है अल्लाह ताला का उसको हम चार आयतों के अंदर समझेंगे सूर्य कसस में इसके बाद मूसा इस्लाम की जिंदगी का जैसे मैंने बताया कि दूसरा दौर शुरू होगा उनकी दावत का रुख जो है वो बनी इसराइल की तरफ होगा तो बनी इसराइल के साथ जो मूसा इस्लाम की तरबियत का और दावत का मामला रहेगा उसको हम फिर दोबारा आके सर आराफ में ही समझेंगे और वो सूर्य आराफ की बीस आयतों के अंदर हम समझेंगे सूर्य आराफ़ आयत नंबर वन टू वन तो ये ये जो है फ्यूचर कोर्स ऑफ स्टडी इस तरह से होगी तो हमने आपको मुख्तलिफ मूसा इस्लाम की जिंदगी के मुख्तलि पहलू को मुख्तलिस पढ़ेंगे

नबुवत और पैगंबरी के इससे सरफराज किया तो उसका तस्करा यहाँ हो रहा है कि जब मूसा उस जगह से गुजर रहे थे उस वादी से गुजर रहे थे फलम्मा आता आहा जब मूसा आ गए वहाँ, उस वादी के पास नूदी या मूसा तो हमने यानी हमने आवाज दी अल्लाह तक खुद फरमा रहा है कि हमने मूसा को आवाज दी इन अना रब का कि बेशक मैं तुम्हारा रब हूँ फखलाई तो तुम अपने जूते को जो है उतार दो अब ये आप पहले जरा तर्जुमा समझ लें फिर इनशाला जो है सारी बातें सामने आएंगी इन कि बेशक तुम एक मुकदस वादी में मुकदस वैली में एक होली जिसको कह सकते हैं वैली के अंदर हो तुआ नाम से वा अना अख्तर तुक़ फस्तमिया लिमा यूहा तो ऐ मूसा मैंने तुम्हें अपने लिए चुन लिया है फस्तमिया लिमा यूहा तो उस बात को तुम यानी गौर के साथ सुनो जो तुम्हारी जानब वही की जा रही है इन ननी अना, ला इल्ला अना। के बेशक मैं ही अल्लाह हूं जिसके सिवा कोई मबूद नहीं यानी मेरे सिवा कोई मबूद नहीं फूनी लिहाजा मेरी इबादत करो सलात वकीम सला और नमाज को मेरी याद के लिए कायम करो अब ये चार आयते मैंने पढ़ी इनशाला इस पे थोड़ा तफसीली गुफ्तु करते हैं कि मूसा इस्लाम का जब उस वादी से गुजर हो रहा था तो अल्लाह ताला ने उनको नबूत से सरफराज किया तो उसका एक तस्वीर कशी ये की कि, कि हमने मूसा को आवाज़ दी और आवाज़ देखने के बाद सबसे पहला मैसेज जो मूसा को दिया है सबसे पहली चीज से आगाह जो मूसा को किया है वो ये थी कि मैं तुम्हारा रब हूं अब आप यूं समझ लीजिए कि अल्लाह ताला अपनी जात के साथ वहाँ पे मौजूद नहीं था लेकिन यानी ये या पूरी निज़ाम कायन अल्लाह के हाथ में है अल्लाह की कुदरत में है लिहाजा अल्लाह ताला ने इस बात की सलाहियत मूसा इस्लाम के अंदर पैदा कर दी कि वो अल्लाह की बात को सुन चुक सुन सकें और हर नबी का एक ख़ास यानी इम्तियाजी जो चीज़ होती है वह अल्लाह ताली की तरफ से अता की हुई होती है मूसा आई इसम को एक इम्तियाजी चीज़ जो अता की गई थी वो ये कि वह अल्लाह ताली से कलाम करते थे अब वो इन कानों से तो कलाम नहीं सुनते थे लेकिन कुछ एक अलग मामला था जो अल्लाह बेहतर जानता है कि मूसा मूजा जो है वो अल्लाह से हम कलामी इख्तियार करते थे और अल्लाह ताला ने क्या कहा मैं तुम्हारा रब हूँ तो अपना जूता उतार दो इन न कबिलवादुल मुकदस तुआ तुम एक मुकदस तुआ की वादी में हो एक वैली में हो एक मुकदस जगह पे हो यहाँ पे एक चीज समझ में आई कि मुकदस यानी किसी भी चीज का तकदस पाकिजगी किसी किसी भी चीज़ को होली जो है बनाना एक तो ये कि अल्लाह के हुक्म से होता है कोई जरूरी नहीं है कि उसके पीछे एक कोई ऐसा रैशनल या कोई ऐसा रीजन हो जिसे हम समझ सकें अल्लाह ताला ने जमीन के बाद हिस्से को मुकद्दस बनाया जैसे हम कहते हैं काबा का हिस्सा मुकद्दस है तो काबा का हिस्सा मुकद्दस काबा के बनने से पहले भी था तभी तो अल्लाह ने उस जगह को चुना है और जैसा आप सूरह इब्राहिम सलाम के तस्करे में पढ़ेंगे कुरान के अंदर तो अल्लाह ताला ने जब इब्राहिम सलाम को हुक्म दिया है काबे की तमीर की तो ये कहा है कि हमने एक मुकद्दस जमीन को इस चीज के लिए चुना है लिहाजा वो जमीन पहले से मुकदस थी अल्लाह ने बाद में वहां काबा करवाया गोया कि किसी भी जमीन का तकदस अल्लाह की तरफ से अता करदा होता है यानी काबे की जमीन और हिरम शरीफ का तकदस हिरम की वजह से है ये तो हम समझते हैं लेकिन हकीकता उसका तकदस जो है वो अल्लाह के अता करने की वजह से है और यूं समझ लीजिए कि हरम और काबे की तामीर वहां इसलिए हुई क्योंकि वो तकदस जगह मुकदस जगह थी अल्लाह ताला ने उस जगह को तकदस दिया था तो यानी किसी भी चीज़ का मुकदस होना ये अल्लाह की तरफ से होता है लिहाजा यहाँ भी एक चीज समझ में आई कि वादिय तुआ जो था थी वो अल्लाह के नज़दीक मुकदस जगह थी पाकिज पाकिजा जगह थी क्योंकि सारी चीज़ का खालिफ जब अल्लाह है तो किसी चीज को अल्लाह ही पाक बनाता है और किसी चीज़ को अल्लाह ही ना पाक बनाता है लिहाजा वो वादी पाक थी और दूसरी चीज ये समझ में आई कि अल्लाह तुम ने हुम दिया मूसा को कि अपना जूता उतार दें तो यहाँ एक आम कायदा समझ में आया कि जब इंसान किसी पाकिज़ा जगह पे जाए तो वहां जूते को उतार दे यानी वैसी जगहों पे जूता पहन के जाना जो है ये मुनासिब चीज नहीं मानी जाती है और यही आम कायदा रहा है हमेशा से उम्मत का कि रसूल वसल्लम भी और साहबा भी आम तौर पे जो नमाज पढ़ते थे वो बगैर जूते के पढ़ते थे और मस्जिदों के अंदर भी हिरम शरीफ में या कहीं भी आप मुकद्दस जगह जाए तो वहां आपको जूता उतारना होता है लेकिन यहाँ एक बात और समझनी जरूरी है कि ये एक आम कायदा है इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जूता पहन के अगर कोई शख्स कोई काम कर रहा है तो वो बेहरमती वाली बात है नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है बुखारी की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूते पहन के भी नमाज पढ़ी है अगर जो उस जूते में यानी नापाकी नहीं लगी हो अगर वो जूता पाक साफ है तो जूते पहन के भी नमाज पढ़ी जा सकती है बुखारी की हदीस है तो इससे ये समझ में आया कि आम कायदा यह है कि इज्जत वाले मुकाम पे जाए तो जूते को उतार दिया जाए अल्लाह ताला ने जिस वादी ये ये जो पूरा ये पूरी स्टोरी जिस जगह चल रही है उस वादी का नाम तोा बयान किया है तो का मतलब होता है असल में अरबी में जो रूट वर्ड है तो का उससे मुराद होता है फोल्डेड चीज़ कोई भी ऐसी चीज़ जो फोल्डेड हो जैसे अल्लाह ताला ने जो कुरान के अंदर सूरह जुमर के अंदर भी एक वर्ड इस्तेमाल किया है वो यही इस्तेमाल किया है कि यानी हम आसमान और जमीन को जो है वो क्यामत के दिन मोड़ मोड़ देंगे है ना जैसे अल्लाह ताला फरमाता है वमा कदर हक का कदरी कि इन लोगों ने अल्लाह की कदर को पहचाना ही नहीं वल अर्जु जमीन कब्ज तो हू कि उस दिन जो तमाम जमीन होगी वो अल्लाह के कब्जे में होगी यमल क्यामत क्यामत के दिन व समावा तो मत विया तुम भी यमीन और आसमान वन आसमान जो है तमाम आसमान अल्लाह ताला के हाथ में फोल्डेड होंगे तो यहाँ जो रूट वर्ड इस्तेमाल किया गया है ये वही है जो वादिया तुआ के लिए इस्तेमाल किया गया है गोया कि वो ऐसी वादी होगी जो कुछ रही होगी जो कुछ फोल्डेड किस्म की हो उसका शेप कुछ ऐसा रहा होगा तो इस वजह से उसका नाम तुआ पड़ा होगा और अल्लाह ताला ने जो है इस वादी को भी उसी नाम से पुकारा है जिस नाम से ये आमतौर पर जानी जाती थी अब अल्लाह ने आगे क्या बात कही वह अना अख्तर तुका ए मूसा मैंने तुम्हें चुन लिया है ये मूसा आल्लाम को अल्लाह तरह चुना पहली चीज तो चुनना ये होता है कि तमाम इंसानों में अल्लाह ताला बाज लोगों को चुनता है हिदायत के लिए ईमान के लिए तो ईमान वाले तमाम इंसानियत के बड़े सुपर सेट से ईमान वाले एक सेट हैं सबसेट है जिनको अल्लाह ने चुना होता है फिर उस सबसेट में अल्लाह ताला तलिया अल्लाह को चुनता है ठीक है यानी जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं बहुत अल्लाह ताला से जिनका जिनकी कुर्बत होती है उनको चुनता है और फिर उनमें से अल्लाह ताला जो है वो अम्बे आल्लाम को चुनता है नबूवत जो है वो कई प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन के बाद अल्लाह ताला किसी को चुनता है उसकी खूबियों उसकी सलाहियतों के बिना पे जाहिर है कि ये सिलसिला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ख़त्म हो चुका है तो इसके बाद इसका कोई तस्वर नहीं किया जा सकता लेकिन नबूवत अपने आप में अल्लाह ताला का एक बहुत अजीम सिलेक्शन है जब अल्लाह ताला कहता है कि अमूसा हमने तुम्हें चुन लिया है तो इससे मुराद एक तो ये है कि नबूवत के लिए चुना दूसरी नबूवत में भी नबियों में भी अल्लाह ताला ने मूसा इस्लाम को एक खास मुकाम ये अता किया एक खास बरतरी ये अदा की कि, कि अल्लाह ताला ने बगैर फरिश्ते के मूसा से कम जो है वो कलाम किया तो इस एतबार से बहुत सारे सिलेक्शन मूसा में एक साथ जमा हो गए तो मूसा ध्यान से सुनो उन, उन बातों को जो तुम्हारी जानब वही की जाती है अब मूसा की जानब पहली वही की जाती है तो अब वो पहली वही जो है जो मूसा इस्लाम पे नाजिल हुई है उसको हम समझेंगे और उसकी मीनिंग को समझेंगे इसके साथ साथ एक मैं एक जनरल बात आपके जहन में डाल देना चाहता हूँ वो जनरल बात यह है कि अम्बे आलाम पे जो सबसे पहली वही होती है वो अपने आप में बहुत अहमियत की हामिल होती है लिहाजा रसोल्लाम पर जो पहली वही उतरी है एक करा पढ़ तो ये पढ़ जो है वो यानी एक बहुत ब्रॉडर मफहम को जो कवर करता है इनशाला इस पे हम तफस गुफ्तु तब करेंगे जब सीरत के प्रोग्राम में हम पहुंचेंगे इस मुकाम पर लेकिन आप यूं समझ लीजिए कि अम्बे स्ल्लाम पे जो पहली वही उतरती है वो अपने आप में बहुत मीनिंगफुल होती है तो मूसा पे भी जो पहली वही उतरी है उसके भी सिग्निफिकेंस को हम यहाँ समझते हैं इन ननी के बेशक मैं अना ला इलाह इला अना मैं वो अल्लाह हूं जिसके अलावा कोई खुदा नहीं यानी कोई खुदा नहीं है मेरे सिवा कोई इलाह नहीं है कोई परवरदिगार नहीं है कोई खालिक नहीं है कोई मालिक नहीं है कोई रजाक नहीं है कोई अदा करने वाला नहीं कोई देने वाली देने वाली हस्ती कोई दूसरी नहीं है लेने वाली कोई हस्ती दूसरी नहीं है कुत वाली कोई हस्ती दूसरी नहीं है किसी की मदद करने वाली कोई हस्ती दूसरी नहीं है हिदायत देने वाली कोई दूसरी हस्ती नहीं है अहकाम के नजूल के लिए कोई दूसरी हस्ती नहीं है को या कि तमाम मफहूम इसमें अल्लाह ताली जब इलाह वर्ड इस्तेमाल करता है तो उसमें तमाम मफहूम जमा हो जाते हैं कि यानी हर वो चीज़ जो अल्लाह के लिए खास है उसमें अल्लाह का कोई शरीक नहीं है मिसाल के तौर पर छुपी हुई चीजों को जानना अब ये चीज़ अल्लाह के लिए खास है इसमें अल्लाह का कोई शरीक नहीं हो सकता उसी तरह इबादत इबादत अल्लाह की खासियत है अल्लाह की खसूसियत है यानी इबादत होगी तो सिर्फ अल्लाह अल्ला की होगी लिहाजा इसमें अल्लाह का कोई शरीक नहीं हो सकता उसी तरह जिन चीजों में अल्लाह ताला ने कोई कायदा मुकर कर दिया कोई हुक्म नाजिल कर दिया मिसाल के तौर पे शराब की हरमत अब शराब अल्लाह ताला ने हराम कर दी है तो फिर इसमें किसी दूसरे की बात की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी यानी तमाम इंसान जमा हो जाए इस बात पर शराब बहुत अच्छी चीज है तब भी शराब अपने आप में नुकसानदेह चीज है उसी तरह तमाम इंसान मिल जाए इस बात पे कि जो है वो सूद बहुत अच्छा निज़ाम है तो भी सूद अल्लाह के नज़दीक हराम ही रहेगा और कायनात की रियलिटी में इंसानों के नुकसान के लिहाज से सूद हराम ही रहेगा और शरीयत में वो चीज़ एज इट इज़ कायम रहेगी गोया कि अल्लाह ताला जिस चीज़ में तन्हा है जिस चीज़ का हक सिर्फ अल्लाह को है उसमें उसका कोई शरीक नहीं हो सकता तो ये सबसे पहली वही है इससे एक और चीज समझ में आती है अम्बे आलाम की दावत में सबसे ऊंचा मुकाम सबसे पहला मुकाम सबसे आला मुकाम सबसे जरूरी चीज हैसियत जिस चीज को हासिल होती है वो तोहिद को होती है और आप मैं आपसे एक बात कहता हूँ आप जरा गौर से सुने कि कि कुरान मजीद को अगर आप बिना किसी तफसीर के बिना किसी उस्ताद के बिना किसी टीचर के सिर्फ तर्जुमे से पढ़ें कुरान को सूरफ यानी सुरह फातिहा से लेकर सुरह नास तक सिर्फ तर्जुमा पढ़ें अरबी पढ़ें ही नहीं आप और किसी किसी की कोई तफसीर न पढ़ें तो भी कुरान मजीद का इतना मफहूम आप पे क्लियर हो जाएगा कि कुरान में तोहिद से ज्यादा अहम कोई दूसरी बात नहीं है ये बात आप आसानी से समझ सकते हैं यानी इसके लिए आपको कोई आलि होने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए आपको कोई बहुत काबिल और फाजिल शख्स होने की ज़रूरत नहीं है आप आसान जबान में अपनी जबान में भी तर्जुमा पढ़ें तो भी इतनी बात तो आप पे वाजा हो जाएगी कि कुरान मजीद का सबसे असल मजमून जो है वो अल्लाह की तोहिद है अल्लाह की वहदानियत है और इस्लाम का भी असल मजमून यही है तमाम अम्बेम की दावत का मरकजी मजमून यही है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना हो ठीक है इस बात को समझ लेने के बाद हमें यह समझना चाहिए कि जब अल्लाह ताला ने इस चीज़ पे सबसे ज्यादा तवज्जो दी है जब अल्लाह ताला ने अपने तमाम एक सवा लाख नबियों के जरिए सबसे पहली बात ये की है जब अल्लाह ताला ने तमाम अम्बे अम्बेम को भेजा ही इसलिए है कि सबसे पहले तोहहीद को कायम किया जाए तो ये बात तो समझ में आ गई कि तमाम चीज़ों में सबसे ज्यादा जानने वाली हस्ती अल्लाह रबुलमी के नजदीक पूरी कायनात की सबसे बड़ी रियालिटी अल्लाह की वहदानियत है अब जब ये अल्लाह की वहदानियत सबसे बड़ी रियालिटी है तो इसके मुकाबले में किसी दूसरी चीज को रियालिटी तस्वुर नहीं किया जा सकता यानी अगर कोई शख्स ये कहता है कि जो लोग अल्लाह की इबादत करते हैं वो भी सही हैं और जो अल्लाह की इबादत नहीं करते या अल्लाह के माँ सेवा दूसरों की इबादत करते हैं वो भी सही हैं वो शख्स झूठा है क्योंकि कुरान के मुताबिक तमाम आसमानी सहीफों के मुताबिक तमाम अम्बे आलाम के मुताबिक वाहिद चीज़ जो सबसे पहले अम्बेम ने दावत दी है वो ला की है कि कोई माबूद नहीं है कोई इबादत के लायक नहीं है कोई परस्तिश के लायक नहीं है सिवाय अल्लाह के तो ये चीज हमारे घुट्टियों में घुस जानी चाहिए ये चीज़ हमारे खून के अंदर बहनी चाहिए कि कायनात की अगर असल कोई शह है असल वजूद किसी का कायनात में है तो वो अल्लाह का है कायनात जो हम देखते हैं या तमाम रियालिटीज जो हम देखते हैं वो उस रियालिटी पे डिपेंडेंट है हर चीज जिसको हम हक समझते हैं ये उस हक पे डिपेंडेंट है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं कोई इबादत करने वाला नहीं लिहाजा ये चीज़ हमारे वजूद का हमारी सोच का हमारी फिक्र का इस तरह मजबूत हिस्सा बननी चाहिए कि इसके मद्द मुकाबिल जो भी चीज़ आ जाए इसके मुखालिफ जो भी चीज़ आ जाए उसको कभी भी हम हक तस्लीम करने वाले न बने उसको कभी भी हम रिकनसाइल करने वाले न बने और उसको हमेशा हम सबसे बड़ा गुना और सबसे बड़ी गलती तस्लीम करें क्योंकि ये चीज़ न सिर्फ ये कि इस्लाम के खिलाफ और शरीयत के खिलाफ है बल्कि पूरी कायनात के निज़ाम बरहत की सबसे बड़ी रियलिटी के खिलाफ है कि अल्लाह के अलावा किसी को किसी वजूद को किसी हस्ती को जो है वो रब तस्लीम किया जाए तो ये बात हमारे वजूद का हिस्सा होनी चाहिए हमारे सोच फिक्र का होनी चाहिए क्योंकि ये तमाम अम्बेम की दावत का मरकजी मजमून है फिर अल्लाह तला ने इस इस मरकजी मज़मून को बयान करने के बाद कहा फाबुदून फाबुदनी कि फिर मेरी ही इबादत करो यहाँ फेले अमर है अमर है, है अल्लाह ताला का हुक्म है कि तुम मेरी ही इबादत करो वो तो अकीम सलात अले जिक्री और मेरी याद के लिए नमाज को कायम करो अब यहाँ पे एक और दो यानी ये जो आखिरी टुकड़ा है उस पर दो जिमनन बातें करता चलू मैं आपके सामने कि आप जरा इस पूरे सीन को तस्वर कीजिए कि मूसा के साथ कितना जबरदस्त एक्स्ट्रॉर्डिनरी वाक़ पेश आया कि अल्लाह रब्लामीन ने उनको वादी तुआ में बुलाया कलाम किया उनसे इतनी बड़ी वही की इंसान या इंसान छोटी सी जो है गैर मामूली चीज देख लेता है रोड पे एक एक्सीडेंट देख लेता है तो उसको भूलता नहीं इंसान ठीक है क्योंकि ये न, हमारे नेचुरल जो रोजमर्रा की जिंदगी उससे मुख्तफ चीज़ होती है फिर इंसान रोजमर्रा की जिंदगी से मुख्तफ कोई चीज़ आपने सपोज फॉर एग्जाम्पल जो है अपने महल्ले में हाथी को दौड़ता हुआ देख लिया या शेर को दौड़ता हुआ देख लिया तो ये चूंकि आप नेचुरली इन चीजों को नहीं देखते तो वो चीज़ आपके जहन में महफूज हो जाएगी आप उस चीज़ को कभी भूल नहीं सकते तो जो गैर मामूली चीजें होती हैं वो इंसान कभी उनको नहीं भूलता फिर गैर मामूली चीज जितनी ज्यादा गैर मामूली होगी जितना ज्यादा उसमें एलिमेंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने का पहलू होगा उतना ज्यादा वो चीज आपके जहन से नहीं निकलेगी तो इससे इससे एक और बात ये समझ में आती है कि इंसान के जहन में वो चीजें ज्यादा महफूज होती हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा ना हो ठीक है चलिए अब अल्लाह आलमीन ने जब हम कलामी की है मूसा इस्लाम से जब अल्लाह ने बात की है मूसा इस्लाम से बगैर फरिश्ते यानी इंसान अगर फरिश्ते से भी बात कर ले तो उस चीज को कभी नहीं भूल सकता अगर आप सीरत की किताबें पढ़ें तो रसूलुल्लाह वसम की जो जहनी कैफियत थी जबरील को देखने के बाद तो इससे एक बात तो समझ में आ जाती है कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे इंसान कभी भूल सकता हो खुद हुजूर की जहनी कैफियत बहुत दिन तक जो है वो हर वक्त में वही चीज वही तस्वर चलता रहता था जो जबरील से बातें हुई हजूर की पहले पहले वही के बाद तो यानी जब जबरील के साथ बात करने का मामला यह है कि हजूर के जहन में हर वक्त वही चल रहा था तो खुद अल्लाह रब्लम से हम कलामी के बाद अलैहिस्सलाम के जहन पे किस तरह वो चीज जब्त और छप गई होगी आप तस्वर कीजिए इस बात गोया कि तमाम कायनात में अगर हर इंसान अल्लाह को भूल सकता था तो भूल सकता था लेकिन मूसा कभी अल्लाह को भूल नहीं सकते थे कभी नहीं भूल सकते थे। गोया अलैहिस्सलाम की शख्सियत और उनके जहन में उनके वजूद में उनके घुट्टियों में ये चीज छप चुकी थी अल्लाह से बात करना क्योंकि आप इस चीज़ को बहुत आसानी से समझ सकते हैं किसी बड़े शख्सियत से आपकी मुलाकात होती है कभी भूल पाते हैं कि हमने फला शख्स से मुलाकात की थी और ये बातें हुई थी एज इट इज सारी डिटेल्स आपको याद होती हैं जब मूसा इस्लाम की अल्लाह से हम कलामी हुई तो कभी नहीं भूल सकते थे वो इस बात को फिर भी अल्लाह ने उनको क्या हुक्म दिया है आप ये देखिए जरा इस बात से उस हुक्म की अहमियत का पता चलता है अल्लाह ने कहा अकीम मेरी याद के लिए नमाज को कायम करना वो यानी मूसा अलीलाम जैसी शख्सियत को अल्लाह को याद करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं थी वो या मूसा जैसे मैंने आपसे तफसली बयान कर दिया कि मूसा कभी नहीं भूल सकते थे तमाम इंसानियत अगर अल्लाह को भूल जाती तो मूसा कभी नहीं भूलते लेकिन मूसा को भी ये हुक्म दिया जा रहा है कि मेरी याद के लिए नमाज कायम करो इससे नमाज की अहमियत जो है कितनी ज्यादा वाजा होती है कि हम और आप तो यार अल्लाह को सुबह शाम भूले रहते हैं हर वक्त जो भूले रहते हैं कभी कभी याद करते हैं अल्लाह को तो हमारे लिए तो ये चीज़ बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है लेकिन मूसा मूजा जैसी शख्सियत जो अल्लाह को कभी नहीं भूल सकती थी उनके बारे में भी अल्लाह ने क्या हुक्म दिया कि मेरी याद के लिए नमाज कायम करो वो नमाज अल्लाह की याद का सबसे बेहतरीन जरिया है ठीक है नमाज की फर्जियत और उससे रिलेटेड जो अहदीस हैं वो तो अपनी जगह कायम है लेकिन मैं कुरान से इस्तलाल यहाँ ये कर रहा हूँ कि मूसा आल्लाम जैसी शख्सियत को भी नमाज अल्लाह की याद की तरफ ले जाने के लिए कायम करने का हुक्म दिया जा रहा है तो हमारे लिए तो ये ट्रिलियंस एंड बिलियंस टाइम ज्यादा जरूरी हो जाएगी कि अल्लाह की याद के लिए हम नमाज कायम करें एक पहलू तो ये हो गया दूसरा पहलू इसमें इसी बात में दूसरा पहलू एक ये भी है कि नमाज इस तरह कायम की जाए कि अल्लाह की याद हो पाए अगर नमाज इस तरह कायम हो रही है कि अल्लाह उसमें याद ही नहीं आ रहा नमाज हम पढ़ भी रहे हैं पूरी सूरज पढ़ गए पूरी यानी हमने या, पूरा सूरह फातिहा और तमाम जो सूरतें हम पढ़ते हैं कुरान की वो पढ़ लिया रुगू कर लिया सजदा कर लिया और अल्लाह की तरफ जो है वो जहन ही नहीं किया अल्लाह की तरफ जो है वह तोज्जो ही नहीं हो पाई अल्लाह का अल्लाह की याद जो, जिसके लिए पर्पज ऑफ नमाज है वो ही नहीं हो पाया तो गोया की नमाज का असल मकसद बहुत हो गया तो गोया नमाज एक तरफ ये कि अल्लाह की याद के लिए नमाज होनी चाहिए और दूसरी चीज नमाज ऐसी होनी चाहिए जिसमें अल्लाह की याद रहे अल्लाह से कनेक्शन बने अल्लाह से की तरफ तवज्जो हो ये दोनों बातें यहाँ पे जिम, जिमन समझने की हैं तीसरी एक अहम यानी क्लैरिफिकेशन करता चलूँ कि अगर कोई शख्स नमाज ऐसी पढ़ता है जिसमें वो अल्लाह को बिल्कुल याद नहीं करता सिर्फ उठक बैठक कर लेता है नमाज पढ़ लेता है सूर पढ़ लेता है उसका ध्यान अल्लाह की तरफ नहीं लगता है तो यह बहुत बुरा है बहुत बुरा है बहुत बुरा है लेकिन नमाज न पढ़ने से बेहतर है तो क्योंकि उसने कम से कम हुक्म की अतात की अगर हुक्म की स्पिरिट को अदा नहीं किया उसने उसने हुक्म की असल मकसद उसका फौत हो गया लेकिन बहरहाल न पढ़ने से बेहतर है कि इंसान जो है वैसी टूटी फूटी भी नमाज पढ़े तो इस पर भी हम लोग जरा तवज्जो दें आगे चलते हैं इन अब अल्लाह तला ने दूसरी बात जो की है वो आखिरत के ताल्लुक से की है तो इससे एक और बात ये समझ में आई दीन के अंदर तोहिद के बाद अल्लाह ताला की वहदानियत अल्लाह ताला की यूनिटी और वननेस को समझने के बाद सबसे अहम तरीन कॉन्सेप्ट जो है वो है क्यामत का के बेशक क्यामत आती यतुन आने वाली है अकादु अकादु उहा बेश आखरत जो है वो तो यानी घड़ी जो है आर जो है वो आने वाली है और मेरा इरादा है कि मैं इसे मक्सी रखूं, इसे छुपा के रखू अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने क्यामत की असल वक्त को जो है वो छुपा के रखा है अगरचे निशानियाँ अल्लाह वसल्लम को बता दी थी और वो निशानियाँ आपको बहुत तफस मुस्लिम में और बहुत सारी दीगर अहादी सही बुखारी वगैरह में भी रवायात है लेकिन सही मुस्लिम में बहुत तफसी तौर पर जो है वो जो जो अल्लाह के रसूल ने क्यामत की बताई हैं वो सही मुस्लिम में बाबते एक चैप्टर के तहत जो है वो बहुत तफसीली बयान उसमें मिल जाएगा आपको अहादीस के जमीन में हुजूर को निशानियां जो बता दी थी अल्लाह तशानियाँ हुजूर ने तमाम तो नहीं तमाम हम तक यानी महफूज तरीके पर नहीं पहुँची बहुत सी ऐसी निशानियां जो अल्लाह और उसके रसूल के बीच की बातें हैं हम तक नहीं पहुंची लेकिन जो हम तक पहुंची है जो हमारे लिए ज़रूरी थी जो हमारी समझ और हमारे फहम के मुताबिक थी उसको अल्लाह के रसूल ने हम तक पहुँचा दिया है लिहाजा वो हम सही मुस्लिम के अंदर पढ़ सकते हैं वो अल्लाह ती का इरादा है क्यामत को मखसी रखने का छुपा हुआ रखने का मकसद क्या है कि लितजा ताकि मैं जजा दूं इसके जरिए ताकि जजा दिया जा सके उसे कुल्लू नफ्स में बिमा तसा हर उस नफ्स को जो इसके लिए कोशिश कर रहा है यानी अल्लाह ताला का इरादा क्यामत को मखसी रखने का ये सबसे बड़ा रीजन ये है और भी बहुत सारी वजूहत है लेकिन एक रीज़न तो ये है कि अल्लाह ताला इसके जरिए जजा दे जो है वो अजर दे उन लोगों को जो भी इसके लिए कोशिश करते हैं यहाँ एक चीज इस्तेमाल हुई है तस आ यानी हर नफ्स जो कोशिश करता है गोया कि इसमें अमल की क्वांटिटी के बारे में बात नहीं हुई है एफर्ट की बात हो रही है अल्लाह ताला के यहाँ कदरदानी एफर्ट की है आप कितना एफर्ट लगाते हैं अल्लाह के यहाँ इसकी कदरदानी है इसकी मैं छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ एक गुनागार शख्स है वो अपने गुनाह से स्ट्रगल कर रहा है और हर वक्त अल्लाह से दुआ कर रहा है कि अल्लाह ताला जो है वो मेरे लिए इस मामले को आसान कर दें तो अल्लाह ताला उसके छोटे अमल पर भी राजी हो जाएगा और एक शख्स जो है जो यानी जो जिसके अंदर टेम्पटेशन नहीं है मिसाल के तौर पर छोटा सा एग्जाम्पल आसानी से आप समझ सकते हैं यानी एक इंसान है जो साठ साल का है और एक लड़का है जो बीस साल का है अब बीस साल के लड़का दुनिया के अंदर बहुत सारी टेम्पटेशन है उसके लिए तो वो जो उन टेम्पटेशन से बचने की कोशिश करेगा तो हो सकता है कि 80 परसेंट टाइम्स बच जाए 20 परसेंट टाइम्स ना बच सके 90 परसेंट टाइम्स बच जाए और 10 परसेंट टाइम्स ना बच सके लेकिन वो जो नाइन्सेंट टाइम्स बच रहा है ना अपनी पूरी कोशिश करके तो अल्लाह ताला तैयार इसकी बड़ी कदरदानी और एक साठ साल के इंसान के लिए टेम्पटेशन उतनी स्ट्रांग नहीं है दुनिया के अंदर तो वो अगर नाइनटी फाइव परसेंट टाइम्स भी बच रहा है और टाइम्स में इन्वॉल्व हो जा रहा है तो परसेंटेज के लिहाज से तो वो ज्यादा हो गया बीस साल से लेकिन लेकिन अल्लाह के यहाँ इसकी कदर उतनी नहीं होगी जितनी उस बीस साल नौजवान की होगी तो अल्लाह के यहाँ चूंकि असल कदर जो है वो कोशिश की होती है क्वान्टिटी ऑफ अमल की कोशिश जो है वो कदर अल्लाह के यहां उतनी नहीं है जितनी एफर्ट की होती है जितनी क्वालिटी की होती है आगे चलते हैं तो अल्लाह ताला आगे फरमा रहा है फला यसुदन्नक अनहा तो ए मूसा तुम्हें इस राह से यानी इस दीन की राह से वो शख्स न रोक दे मन ला युमिनु بها जो इस चीज पर यकीन नहीं रखता जो इस चीज पे ईमान नहीं रखता कोई मूसा अली इस्लाम को एक नसीहत की जा रही है ए मूसा जो लोग आखिरत पे यकीन नहीं रखते वतबा हवाहु वो अपनी ख्वाहिशात की इत्तबा करते हैं उनके अमलों के जरिए उनके कामों के जरिए उनकी बातों के जरिए उनकी ऊंची ऊंची तकारीर के जरिए उनकी ऊंची ऊंची महलात के जरिए तुम्हें इस दीन से वो फेर न दें इस इस असल नहज से इस असल दीन से तुम्हें वो हटाना दें फ़तरदा अगर ऐसा होगा तो फिर तुम मरदूद हो जाओगे फिर तुम रद्द कर दिए जाओगे अल्लाह के यहाँ तुम्हारी कोई कदर नहीं होगी यहाँ एक बड़ी खास बात है जो मैं चाहूंगा कि आपकी तवज्जो इस बात की तरफ जाए अक्सर हम में से लोग जो हैं वो यानी स्पेशली जो पढ़ा लिखा तबका है हमारा वो चूंकि उनका इंटरेक्शन एलीट तबकों से होता है नॉन मुस्लिम से भी और यानी मुस्लिम्स में भी एट तबकों से उनका इंटरेक्शन ज्यादा होता है तो अक्सर ऐसे लोग जो हैं वो उनकी लाइफ स्टाइल से उनके बोलने से उनकी बातों से उनकी दुनियावी तरक् से मरूब हो जाते हैं फिर उनके सामने वो अपने आप को इन्फेरियर फील करने लगते हैं तो असल मामला ये क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है कि हम जो है वो अगर इंसान आखिरत को मद्देनजर रखेगा और आखिरत की हकानियत और उसकी सच्चाई और उसमें जो अजाब है और उसमें जो इनामात हैं उसको मद्देनजर रखेगा तो दुनिया की बहुत सी लज्जतों से उसको अपने आप को बचाना पड़ जाएगा बहुत से मौाक़ आएंगे जब आपको हराम काम करना आपके लिए न सिर्फ आसान होगा बल्कि बहुत यानी अगर आप हराम कर लें तो आपकी इज्जत बढ़ जाएगी अगर आप हराम कर लें तो आपका माल और वब बढ़ जाएगा अगर आप हराम कर लें तो जिंदगी आपकी आसान हो जाएंगी इसके बरअकस अगर आप जहनम के खौफ से हराम से बच जाते हैं तो आपकी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी आप जो नाम वनमूद में जो है बहुत पीछे रह जाएंगे आपको मकबूलियत नहीं मिलेगी आपकी मजलिसें वीरान हो जाएंगी तो यहाँ पे एक बहुत डिफिकल्ट चॉइस इंसान के सामने आती है वो ये कि आया ये कि अगर वो आखिरत को हर वक्त उसका तस्वर अपने जहन में जिंदा रखता है तो फिर बाज़ दफ़ा उसको ये वीरानियां उसको ये मशक्क़तें उसको ये परेशानियां चूज करनी पड़ेंगी डेलिबरेटली उन अयाशियों के मुकाबले में उन रंग रंगरेलियों के मुकाबले में उन नामो नमूद के मुकाबले में क्योंकि हराम काम जाहिर है अब जितना ज्यादा दुनिया आखरत के करीब होती जा रही है क्यामत के करीब होती जा रही है उतनी ज्यादा फितरों का दौड़ बढ़ता जा रहा है तो टेम्पटेशन भी दुनिया के बढ़ते जा रहे हैं तो अक्सर लोग जो है हम में से स्पेशली यानी मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ कि नौजवान तबका ही सबसे पहले हिदायत भी कबूल करता है और नौ, नौजवान तबका ही सबसे पहले गुमराह ही भी कबूल करता है लिहाजा यानी ये जो असरात होते हैं आमतौर पर नौजवानों में ज्यादा होते हैं कि वो यानी किसी अमीर शख्स को देखा किसी बड़े आदमी को देखा यानी और भी चीज़ें हैं आप समझ सकते हैं अक्लमंद हैं तो उसके बाद इंसान के अंदर ख्वाहिश और तमन्ना पैदा होती है लेकिन अल्लाह ताला ने खूस यहाँ जो है वो एक चीज की तरफ मूसा इस्लाम की तवज्जो दिलाई कि ऐसा हरगिज ना हो कि तुम्हें कोई आखिरत पे यकीन न करने वाला आखिरत पे यकीन न रखने वाला और अपनी ख्वाहिशात का इतवा करने वाला देखिए ये दोनों चीज़ों में चो, चोली दामन का साथ है कि अगर कोई शख्स आखिरत का यकीन पुख्ता नहीं रखेगा तो वो लाजमन अपनी ख्वाहिशात की इत करेगा ये मुमकिन ही नहीं है कि वो ख्वाहिशा की तबाह ना करे कभी कभी वक्ती तौर पर ख्वाहिशा को कंट्रोल कर सकता इन्सान है इंसान है इंसान के अंदर ये सिफत अल्लाह ने रखी है लेकिन उसकी जिंदगी जो है वो इतबा हवा में ही जाएगी यानी ख्वाहिशात की इतवा में जाएगी क्योंकि ख्वाहिशात से रोकने वाली सबसे ज्यादा स्ट्रांग मोटिवेशन अगर कुछ होता है तो वो आखिरत का खौफ होता है जन्मत तो और हिसाब किताब का खौफ होता है अगर ये चीज आपकी जिंदगी से निकल जाए तो फिर सारी दलायल आपके पास मौजूद है आप क्यों ना गलत काम करें जबकि गलत काम करने के फायदे ज्यादा हैं आप क्यों नहीं हराम पैसे कमाएं जबकि हराम पैसे कमाने से न सिर्फ ये के फायदे ज्यादा हैं आपको इज्जत भी दुनिया के अंदर ऐसे भी सिचुएशन होती हैं जब हराम कमाने वाले को इज्जत दुनिया के अंदर ज्यादा मिल जाती है ठीक है उसकी बिल्डिंग्स लंबी लंबी तैयार हो जाती है तो ये सारी बातें हैं इस मौके पे जरा मुश्किल हो जाता है चॉइस करना आम इंसान के लिए अगर वो अपने आप को आखिरत से जोड़ के नहीं देखता हर मौके पे अगर तो वो हर मौके पे ये नहीं सोचता कि इसका हमें अंजाम आखिरत के अंदर कब्र के अंदर क्या देना है तो उसके लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो हराम काम से हमेशा बच सके कभी कभी बच जाएगा लेकिन हमेशा बच सके ये मुमकिन नहीं होगा इसीलिए अल्लाह ताला ने इस इस हकीकत की बड़ी अच्छी जो है तस्वीर कशी की है बल तो असरून हयात दुनिया के तुम पे दुनियावी जिंदगी ज्यादा असर करती है तो व अबका लेकिन याद रखो आखिरत जो है वो है वो बेहतर भी बाकी रहने वाली भी है अगर तो वो सिर्फ बेहतर होती तो भी था लेकिन अल्लाह फरमा रहा है बेहतर भी है और हमेशा बाकी रहने वाली है। तो इससे एक बात तो ये समझ में आ जाती है कि ये आखिरत का तस्वुर अगर हमारे जहनों में ताजा ना हो तो फिर हमेशा हराम से बचना जो है मुमकिन नहीं है कितना भी शरीफ इंसान क्यों ना हो कितना भी तबीयत के अंदर उसके शराफत क्यों ना हो इसीलिए अल्लाह ने इस इस चीज की तरफ बार बार तवज्जो दिलाई है कुरान के अंदर वरना एक बार ही अल्लाह ताला बयान कर देता था क़यामत तो हम कायम करने वाले हैं अनेक नेक लोगों को जन्नत मिलेगी बुरुओं को जहन्नम मिलेगी लेकिन अल्लाह ने इसी बात को इतने मुख्तिक अंदाज से कुरान के अंदर बयान किया है इतने मुख्तलि अंदाज से बयान किया है जिसका जो है अहाता जो है वो मुमकिन नहीं है इतनी आसानी के साथ तो बस ये असल बात थी जिसपे मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि जो पा जो सेंट्रल थीम था और ये आयत नंबर सिक्सटीन भी हमने पढ़ी ली है तो अब जो नेक्स्ट टर्न पे हम आयत नंबर 24 टू 36 पढ़ेंगे लेकिन इस मौके पे जो मूसा सलाम को जो सबसे बड़ी दो बातों की नसीहत की गई एक तौहीद का कांसेप्ट जिसको हमने तफसली तौर पे आपके सामने बयान किया और तौहीद से मोहब्बत का लाजमी तकाजा है कि इंसान को शिर्क से नफरत हो इंसान को यह बात बुरी लगे कि यार अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत कैसे हो सकती है जबकि पूरी कायनात अल्लाह ने तखलीक की है हर जर्रा जब अल्लाह का मोहताज है हर ज़र्रा जब अल्लाह की तख्लीक की हुई है हर कीड़ा मकोड़े से लेके तमाम बड़े से बड़े जानवर से लेके हमारे जिसम के अंदर मौजूद तमाम चीज़ें जब अल्लाह ताला के हुक्म से उसके इज्जत से उसकी मर्जी से चलती हैं तो कैसे हो सकता है कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत की जाए गोया तोहीद से मुहबत अल्लाह की वहदानियत का यकीन का लाजमी तक है इंसान शिरक को जो है वो कमतर समझे बहुत बड़ा गुना समझे और उसकी उसके दिल के अंदर एक कुढ़न महसूस हो शिर को होता देख के ठीक है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन तरीके से हदीस में बयान किया कि ईमान का मजा और ईमान की लज्जत वो शख्स चखेगा जिसको तौहीद के बाद कुफर से वैसी ही नफरत और बख्ज हो जाए जैसी कि आग में डाले जाने से होता है वो या कि इंसान के अंदर तकलीफ महसूस होनी चाहिए और है भी गैरतमंदी की बात है अगर यानी इंसान अपने बच्चों के बारे में सोचे अपने माँ बाप के बारे में सोचे अपनी बीवी के बारे में सोचे यानी किसी को अगर मालूम चल जाए कि उसके साथ बुरा सलूक कोई कर रहा है तो इंसान कभी उस शख्स से जो है वो उस तरीके से अटैच नहीं हो सकता यानी उसके लिए बहुत शिद्दत के साथ इंसान के अंदर रिजेंटमेंट पैदा हो जाएगा क्यों हो जाएगा क्योंकि इंसान जिससे मोहब्बत रखता है उसके बरक्स करने वालों से उसके दिल में एक फित्री वो होता है तो कहने का असल मंशा वो नहीं है कहने का असल मंशा ये है कि तोहहीद कांसेप्ट जो है वो जहन में इस तरह वाजा होना चाहिए कि शिरक अपने आप में सबसे बड़ी गुमराही है ये भी जहन पे उसी तरह क्लियर होनी चाहिए और ये अम्बेल का पहला यानी दावत का पहला पॉइंट ये होता है दूसरी जो मैंने आखिरत से रिलेटेड बातें आपके सामने रख दी तो इनशा ये जो मरकजी मैसेज अल्लाह ताला ने जो दिया है मूसा इस्लाम को नबूवत के वक्त वो इन पांच आयत के अंदर छह आयत के अंदर कवर हुआ है तो मुझे उम्मीद है कि इनशाला कॉन्सेप्ट आपके जहनों पे वाजा हो गया होगा अब हम नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट संडे को जब मिलेंगे तो आयत नंबर 24 टू 36 पढ़ेंगे इसमें भी नबोवत थी के सिलसिले में चंद और बातें होंगी हुँ, लेकिन जो सेंट्रल बात थी वो आज कवर हो गई है इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट संडे को जब 24 टू 36 पढ़ेंगे तो वहां वो उस बात को मजीद वादा कर दिया जाएगा तो मैं इस बात पर अपनी बात को खत्म करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो बातें भी हमने सुनी है उसको मुझे अमल करने की तोहफी खतरा फरमाए जिन लोगों ने भी सुनी है उनको भी उस पर अमल करने की उनकी ज़िंदगी में इन चीज़ों को दाखिल होने की तोफ़ी अतः फरमाए क्योंकि फ़ाइल हक़ीक़ी जो है वो अल्लाह ताला ही है और अल्लाह के माँ से बात कोई फ़ाइल नहीं तो लिहाजा उसी से तोफ़ी मांगनी चाहिए व आखिर वन अलहमदिल्ल रबालमी